टॉपिक है हमारे पास वो है मोस्ट कॉमन इस कंडीशन के हवाले से डायरिया। तो डायरिया है क्या? डायरिया इज डिस्क्राइब द इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स आर डिक्रीज द कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल्स दैट कॉज डिस्चार्ज ऑफ वाटरी लूज स्टूल्स। द सीवरिटी ऑफ द डायरिया इज डिटरमाइंड बाय द साइज एंड द नंबर ऑफ स्टूल्स पास्ड वेन अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके टाइप्स कितने होते हैं? सीवियर डायरिया, मॉडरेट डायरिया एंड द माइल्ड डायरिया। सीवियर डायरिया जो होता है, सीवियर डायरिया हैव मेनी कॉजेस। सीवियर डायरिया में गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग होती है, ड्रिंकिंग और अनट्रीटेड वाटर दैट कंटेन्स द जियार्डिया लेम्बिया पैरासाइट कैन कॉज द डायरिया, देयर इज डेवलप 1 to 4 weeks लेटर। सीवियर डायरिया जो होता है हमारे मोस्ट कॉमनली जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें होता है, और पानी जो गंदा हम पीते हैं और उसमें जो जियार्डिया लेम्बिया पैरासाइट होता है, इस वजह से सीवियर डायरिया होता है। सीवियर डायरिया इंक्रीज रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन दैट यू कॉज द बॉडी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्विकली। इसमें हम क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड देते हैं बाय श्योर द इंक्रीज योर इनटेक ऑफ फ्लूइड्स सच एज द वाटर रिहाइड्रेशन एंड द वॉच फॉर द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। इसमें हम क्या देखते हैं? सिम्टम्स देखते हैं डिहाइड्रेशन। सीवियर डायरिया इंक्रीज योर डिहाइड्रेशन बाय कॉजिंग योर बॉडी टू लूज लार्ज अमाउंट फ्लूइड्स क्विकली। परसिस्टेंट डायरिया कैन दे हैव मेनी कॉजेस इंक्लूडिंग डाइटरी चेंजेस। खाने में जो तब्दीलियां आती हैं परसिस्टेंट डायरिया, डाइटरी चेंजेस। भाई एक बच्चा है आपके पास, वो जो होता है वो अपनी डाइटरी चेंज करता है, मिल्क जो गाय बेस का वूमन माएँ पिलाती हैं, तो उस वजह से भी जो चेंजेस आती हैं उसमें भी परसिस्टेंट डायरिया काज कर सकता है। एक दूसरे पेशेंट होते हैं हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस वो सिम्टम है जो मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेशेंट आता है, स्ट्रेस में रहता है, कहता है कि डॉक्टर के पास डॉक्टर आए बेटा एना बहुत सी मेडिकेशन खाई है, मुझे फ़ायदा नहीं होता, पर टेंशन एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से वो डायरिया होता है, उसे परसिस्टेंट डायरिया भी कहा जाता है। बहुत से पेशेंट हमारे पास है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत सा हमें शौक होता है कि होटलिंग पर्पज के लिए हम चले जाते हैं, उसमें एक डायरिया बनता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हमारा जो कोलन है वो डिस्टर्ब होता है, उसकी इरिटेशन होती है, उसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, और उसकी वजह से भी डायरिया काज होता है, उसे भी परसिस्टेंट डायरिया में कर। ओकेशनली अ पर्सन डायरिया कैन बी अ सिम्टम ऑफ मोर सीरियस कंडीशन सच एज क्रॉनिक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, बाउल डिजीज। कभी कभी ये जो परसिस्टेंट डायरिया होता है वो बड़ी डिजीज को जन्म देता है, जिसे हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या कोलन की डिजीज कर सकते हैं। मल अब्जॉर्प्शन सिम्टम्स आर कोलोरेक्टल कैंसर, और बहुत से काजेस ये कोलोरेक्टल कैंसर भी करा सकता है। इसे हमें ये जो है हमारी और टाइप्स ऑफ ओवरव्यू, परसिस्टेंट डायरिया, मॉडरेट डायरिया, सीवियर डायरिया, माइल्ड डायरिया, माने ये जो हमने डिस्कस करी इन डायरिया के बारे में। एक माइल्ड डायरिया होती है हैविंग द डायरिया वंस अ डे। पेशेंट आया आपके पास, एक सर में मुझे दस्त है, उल्टी जुलाब है, तो इसे हम अक्यूट डायरिया और माइल्ड डायरिया कहते हैं। सीवियर डायरिया उसे कहते हैं जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्रॉनिक डायरिया हम उसे कहते हैं जो बहुत सी मान दिनों से हो, और उसके रीज़न जो है मैंने डिस्कशन कर ली है। ये है हमारा ओवरव्यू ऑफ डायरिया। डायरिया क्या है? डायरिया ये है कि हमें बाउल मूड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स को हम वाटरी मूवमेंट्स को हम डायरिया कहते हैं या वाटरी डायरिया कहते हैं। ये हैं टाइप्स आपके डायरिया के, इसमें हमने डिस्कस ये करा।